सो जब आप कहीं प्लेटफॉर्म्स पे कहीं सोशल इश्यूज की बात करती हैं या परफॉर्मिंग आर्ट्स के जरिए कल्चरल हेरिटेज से जुड़ने की बात करती हैं, तो क्या आप ये भी फोकस करती हैं कि जो रूढ़ियां हैं बेशक हमें उन्हें छोड़ के जो अच्छी उन्हें भी हमें कहीं ना कहीं छोड़ना चाहिए, कल्चरल की हम बात, जैसे डाउरी जो था जी यहाँ यहीं की एक परंपरा रही है, जी ऐसे खप पंचायत की अगर हम बात करें, बहुत सारी जी चीजें बिल्कुल हैं, बिल्कुल तो उस पर भी आप फोकस करते हो? एब्सोल्युटली सी, व्हेन वी वर्क इन द स्लम्स, जब हम स्लम एरिया में काम करते हैं तो ऐसी कई सारी परेशानियां हमारे सामने आती हैं। जी जो रूढ़िवादी सोच है वो हमारे सामने काफी पास से हमें उसे देखने को मिलता है, तो लोगों को एजुकेट करना तो काम बन ही जाता है। फिर नॉट ओनली म्यूजिक, म्यूजिक तो एक वो जरिया है जिससे आप अपने आप को खोज सकते हैं, राइट मगर अपने आसपास के वातावरण के लिए तो आपको फिर भी एजुकेशन चाहिए, उसके बिना नहीं चलेगा। अनलिटरेसी है पर एजुकेशन की वाकई में बहुत वाकई ज्यादा में बहुत जरूरत कमी है। सो किस तरह के सोशल इश्यूज आप नॉर्मली उठाते हो? है। दिस डाउरी विच इज ऑफ कोर्स स्टिल वेरी वेरी प्रेवलेंट, मैरिज में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, जेंडर इनक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी तो है ही, और वायलेंस, देयर सो मच वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, पढ़ने नहीं जाते बच्चे, जो पॉवर्टी है उससे एसोसिएटेड बाकी इवल्स भी हैं ही, या तो पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन बोथ। सो बिल्कुल आज शाम को भी जी आपका एक इसी तरह का कॉन्सर्ट है, जी कार्यक्रम है, उसके बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल। आज वी आर टेकिंग अप द इशू ऑफ लंग डिजीज। लंग्स यानी फेफड़े, काफी जितना मैंने दुनिया को देखा है और स्पेशली इंडिया में जो हमारे होम रेमेडीज, हाँ, घरेलू नुस्खे। घरेलू नुस्खे इतने रहते हैं कि अगर किसी को सांस आने में थोड़ी तकलीफ हो गई, जुकाम हो गया, अरे इसको घी खिला दो, काली मिर्च खिला दो, घर दूध के में नुस्खे हैं, दूध हल्दी, में हल्दी, अदरक की चाय, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट एक्चुअली काफी लोगों को लंग्स में काफी परेशानी होती है जो थोड़ी बहुत मेडिकेशन से ठीक हो सकती है। एंड बच्चों के ऊपर ज्यादा एक्सपेरिमेंट हम करते ही रहते हैं अपने नुस्खों का, तो वो ना करें, और यू सीक मेडिकल हेल्प इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू गो टू एन एलोपैथ। अगर आप एलोपैथी में नहीं जाना चाहते, बच्चों को दवाइयाँ नहीं देना चाहते, तो हमारे आयुर्वेद और होम्योपैथी में भी काफ़ी इस चीज़ की सोल्यूशंस हैं, और हम लोग प्रमोट करते हैं आयुर्वेद और होम्योपैथी को भी हमारे कॉन्सर्ट्स के जरिए, कि नॉट, ये भी सदियों से चली आई परंपरा है, इसमें भी गुण है, इसको परखिए, देखिए, इसमें भी काफी मजा आएगा। तो हम लोग जो कॉन्सर्ट कर रहे हैं उसमें हम ऑफ कोर्स कल्चर के बारे में बात करते हैं, म्यूजिक के बारे में बात करते हैं, मगर इस चीज के बारे में भी किसी और एक एजेंडा लेके, लाइक हमने पिछले से पिछले महीने कॉन्सर्ट किया था जिसमें हमने विमेन इश्यूज पे काफी चर्चा की थी। आपने जैसे आप जिक्र कर रहे हो कि जी आप बहुत सारे इस तरह के कॉन्सर्ट्स करते आए हो, जी हमारे पास हमारे ऑडियंस के लिए झलकियां हैं जो कि स्व सरस्वती फाउंडेशन जो इनिशिएटिव्स लेती आ रही है अब तक, वो आप उन झलकियों को देखिए, उसके बाद मैं इनसे बातचीत करती रहूंगी।
चाहती हूँ कि लोगों की सोच बदले, ताकि मैं आगे जाके संगीत को ही अपना प्रोफेशन बनाऊँ, ताकि आगे जाके मुझसे कोई ये ना पूछे कि तुम संगीत के अलावा क्या कर रहे हो। Especially the piece that was done with the orchestra and the Kathak dancer. It was wonderful. Excellent is the word. Awesome. Thank you. I think it was very good. Very nice. The dancer and dancing, really beautiful. Lovely. Absolutely. Very well organized and wonderful artist. Very soulful music. It was a delight to watch. We had a great time. Really enjoyed. There's no exposure to the youngsters. These are my sons here today. They are with me. And the kind of music and the dance, the Bharatnatyam was so amazing. They loved it. Very nice program. So many people connecting in one single evening, you know, with the artist, with the music, with the swar. I really congratulate swar and do the best things always. Really enjoying being backside and in the audience. So just waiting for the next one. स्वर सरस्वती फाउंडेशन के इनिशिएटिव्स पर आप ये झलक देख रहे थे, जिसकी फाउंडर डायरेक्टर श्रृंखला अग्रवाल इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं। श्रृंखला, जो आज आपका शाम में जो प्रोग्राम है, तो उसमें कौन सिंगर्स आ रहे हैं और परफॉर्मर्स आ रहे हैं? जी, पंडित विद्याधर व्यास आ रहे हैं बॉम्बे से। ही इज अ वेरी वेरी एमिनेंट रेनाउंड म्यूजिशियन फ्रॉम अ वेरी वेरी ओल्ड ट्रेडिशनल म्यूजिक फैमिली। एंड वी हैव सितार बाय Rafiq Khan sahab, he's also from an illustrious Gwalior gharana. Ji. Aur hamare Rajendra Gangani ji, jo Jaipur gharane se taluk rakhte hain, dance karenge, katha karenge ji. So yahan par koi bhi dekhne aa sakta hai? Absolutely free, jaise ki hamare sare initiatives hain. Aap aaiye, seekhiye, dekhiye, isse judiye, yahi hamara ek muhim hai. क्या बात है। और IIC में हो रहा है, IIC में प्रोग्राम हो रहा है। सो अगर आप जाना चाहते हैं तो आज शाम आप IIC इस प्रोग्राम को देखने के बाद ऑब्वियसली आप वहाँ जरूर जाइएगा। और वहाँ पे एक चर्चा भी रहेगी, स्वर अर्पण जिसका नाम है, और हेल्थ के ऊपर बातचीत रहेगी। अभी मैं जब ये आपकी ये झलक देख रही थी, तो यहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स देख रही, जैसे आपने बोला कि 29 साल की उम्र में आपने पहली बार एक क्लासिकल परफॉर्मेंस देखा, तो आप थोड़ी सी कंफ्यूज थी, बिकॉज एक्सपोजर आज की यंग जनरेशन का इतना ज्यादा नहीं है। तो आर्ट फॉर्म को समझना बहुत जरूरी है, तो क्या आपकी कोशिश रहती है कि आप उसे एक सरल बनाकर या उसमें कुछ फ्यूजन डालकर आप परोस सकें, ताकि इंटरेस्टिंग हो सके आज के यूथ के लिए? जी, हमारा जो क्लासिकल है, इट्स वेरी मच लाइक मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इवन बेटर एग्जाम्पल। तो उसको अगर आप दूर से देखेंगे तो इट्स नॉट ग्लैमरस, इट्स नॉट अ मूवी। आपका बॉलीवुड म्यूजिक नहीं है, ये ब्यूटिफाई नहीं किया गया है। तो हमारी जो कोशिश है इसमें कि इसका एसेंस ना हटा के, क्लासिकल जो है उसका एक खूबसूरत पार्ट भी है, फिजिक्स हैज एप्लीकेशन एज वेल, यू डोंट ओनली हैव टू रिसाइट फॉर्मूलास, है ना। तो फॉर्मूला से हटके एप्लीकेशन कभी कभी अगर हम झलकाएं, लोगों के बीच में लाएं, तो शायद सुनने में देखने में उनको अच्छा लगे, मजा आए और उससे जुड़े। दूसरी जो कोशिश हमारी रहती है वो ये कि डांस हमेशा रहे हमारे हर कॉन्सर्ट में। इवन दो हमारे आर्टिस्ट बहुत हमसे गुस्सा होते हैं, क्योंकि 40 मिनट से ज्यादा हम किसी को दे नहीं पाते और 40 मिनट में उनका गाना या बजाना शुरू होता है। तो इस प्रॉब्लम है, मगर जब तक ग्लैमर नहीं होगा तो जो हमारे आम पैकेजिंग एंड मार्केटिंग जैसे इस पे एक छोटा सा मिसरा है, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू। ये खामोश मिजाजी, चुपचाप रहना,
जो हमारे क्लासिकल म्यूजिशियंस अक्सर करते आ रहे, तुम्हें तो समझ ही नहीं आ रहा तो अब बोलने का फायदा क्या। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में रहना है तो कोहराम मचा दो। क्या बात, क्या बात। You want to survive, you have to make your presence felt। और आपको लोगों तक पहुंचना होगा। अब कुछ दिन पहले मेरी पंडित बिरजू महाराज जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कथक की जो थाप होती है, जो उसके तोड़े होते हैं, उन्होंने हॉकी खेल कर दिखाई कि अगर आप हॉकी में अगर आप उस उन लय को सुनना चाहें या फुटबॉल में उस लय को सुनना चाहें, दिल की धड़कनों में किस तरीके से लय होती है, तो इस तरीके से एजुकेट किया जाए। अब अगर आप जैसे बात कर रहे हो डांस फॉर्म्स की, जितने भी डांस फॉर्म्स हैं इनमें कहीं ना कहीं फोकलोर्स हैं, कृष्ण भक्ति है, मीरा भक्ति है, आपके विष्णु की आसक्ति है, शिव भक्ति है। सो ये हमारे फोकलोर्स में, हमारे घरों में जब हम छोटे होते हैं वो तब तक उस टाइम पे हम तक पहुंचना चाहिए जी। पर अभी हो क्या रहा है आजकल, जितनी भी औरतें हैं दे आर ट्राइंग टू बी सुपर मॉम्स, यस दे हैव टू वर्क आउटसाइड वंस दे आर बैक होम, सो उन्हें घर की भी जिम्मेदारियां संभालनी है। ऐसे में हर चीज बड़ी इंस्टेंट हो रही है, सब कुछ बर्गर बन चुका है, तो ऐसे में रिचुअल्स को जो है संभाल के रखना उनके लिए भी टेढ़ी खीर है। सो डोंट यू थिंक कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एजुकेशन में जाना चाहिए, स्पेशली फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, स्कूल्स में जाकर या ऐसे घरों में जाकर उन्हें इस तरीके इस तरफ आप जोड़ें? बिल्कुल माए, मैं हमेशा अपने जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, फैमिली इंक्लूडेड, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा फैमिली और कोई नहीं जानता म्यूजिक के बारे में, जितने भी लोग हैं उनको यही बोलूंगी कि आप कहीं जाते हैं ऐसी जगह पे जहाँ क्लासिकल हो रहा है, अगर आप बच्चों को जरूर लेके जाइए क्योंकि उनको एक्सपोजर नहीं है। और स्कूल एनवायरनमेंट में जैसे स्पिकमैक बहुत अच्छा काम कर रही है, स्कूल में इतने प्रोग्राम्स कराते हैं, कॉलेजेस में इतने प्रोग्राम्स कराते हैं, पर स्कूल में जो एक बच्चे का मेंटल मेकअप है इट्स मोर टूवर्ड्स वेस्टर्निज्म, यू नो दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट क्लासिकल इन दैट एनवायरनमेंट इन दैट सेटिंग, वो उसको अप्रिशिएट भी नहीं कर पाते और ले भी नहीं पाते क्योंकि उस समय सबको हेप दिखना है, फ्रेंड्स के साथ जाना है, पीयर प्रेशर इज सो ग्रेट दैट ओनली वेरी फ्यू पीपल गेट कन्वर्टेड एट दैट एज। तो जब बच्चे पेरेंट्स के साथ जाएंगे तो एक एनवायरनमेंट अलग रहेगा। बच्चों के साथ कॉन्सर्ट्स में जाना बड़ी टेढ़ी खीर, बड़ी मुश्किल काम है, मगर ऐसे पकड़ के रखना, उनका फोकस अटेंशन बहुत कम होता है। यू आर राइट, बट दैट्स वेयर पेरेंट्स, पहले तो पेरेंट्स खुद ही नहीं जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे देश में जब इस तरह के कल्चरल कार्यक्रम होते हैं तो उनकी फीस नहीं होती है, एंट्री फी नहीं होती है, सो दे आर मोस्टली फ्री। और अब इसको हमें अगर खुद अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लेना होगा, एंड मुझे बहुत मजा आया, एंड आई विश यू ऑल द लक इन योर फ्यूचर एंडेवर्स। आप इस तरह के कॉन्सर्ट्स करते रहिए, हमारे शोज में लगातार आते रहिए, हमें बताते रहिए। और आज का जो आपका इवेंट है बहुत अच्छा जाए, सफल रहे, ऐसी हमारी कामना है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच रिंका, लवली।